पिछले वीडियो में आपको कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्नों के बारे में बताया गया। अब आपको वैद्युत क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को हल करने का तरीका बताया जाएगा। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश द्वारा उत्पन्न, यह प्रारंभिक स्थिति का प्रश्न होगा। इज इक्वल टू 1/4πε0q/r। यह सूत्र है, किसी आवेश द्वारा उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद फिर कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के, जिनमें गणनाएं कुछ जटिल होंगी, नियम भी बदलेंगे और दूसरे नियम प्रयोग होंगे। अब इस प्रश्न के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि हम आपको किसी बुक से क्वेश्चन लेकर नहीं बता रहे, सरल भाषा में प्रश्न बनाकर और उसका हल दे रहे। अब इसमें यदि कोई आवेश 10 माइक्रो कूलाम का, और यह प्रश्न पूछा जाए कि उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। सूत्र आपने लगाया इज इक्वल टू 1/4πε0q/r। ये भी मैग्नीट्यूड है, ध्यान रहे वैद्युत क्षेत्र को ऋण चिन्ह से नहीं लिखेंगे, शाब्दिक रूप से बताएंगे किस ओर। आप निरूपित कर सकते हैं इधर एक आवेश Q जो 10 माइक्रो कूलाम और इससे परिमित दूरी जो कि 20 सेंटीमीटर ली गई है, 20 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी। प्रश्न आपका क्लियर हो गया इतने मान से कि 10 माइक्रो कूलाम के आवेश द्वारा उससे 20 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा बताइए। दिशा भी आवश्यक है। 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻⁹ क्यू 10 माइक्रो कूलाम है, जिसको लिखेंगे 10×10⁻⁶ कूलाम। बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, जिसे 0.2 मीटर आप लिखेंगे, यूनिट सब की लिखनी। ऊपर हो गया 9×, पावर का एडिशन क्लियर समझ। 10 मीन्स 10⁻⁰, 10⁻⁰ + 9, 10, 10⁻⁰ और -6, 10⁻⁴, 10 - 6, ये हुआ आपका 0.04, 2 का स्क्वायर 4.2 का दो बार मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसलिए 2 अंक पर दशमलव। अब इसको आप 9×10⁴ और 4×10⁻⁶, 2 अंक पर दशमलव है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जितने अंक पर दशमलव होगा उस दशमलव को हटाएंगे दाहिनी तरफ और दशमलव से मुक्त करेंगे तो 10⁻⁶ में उतना। 9 को 4 से डिवाइड किया 2.25 और 10⁻², ऊपर होकर प्लस होगा 10⁻⁶। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन बाई, देखिए बेसिक यूनिट निकालने के लिए इज इक्वल टू एफ बाई क्यू लिखा गया था,
एफ की यूनिट न्यूटन और क्यू की यूनिट कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन बाई कूलाम। यह किसी बिंदु आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए सूत्र प्रयोग हुआ और एक सरल प्रश्न हल करके आपको समझाया गया। अब एक से अधिक आवेशों के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक वर्ग लीजिए, इसके सभी कोणों पर आवेश रखिए। पिछला प्रश्न जो आपको बताया गया उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर जाते हो, यदि वही आवेश ऋणात्मक होता तो आवेश की ओर होती, दिशा होना आवश्यक। ए बी सी डी वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा ए, इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। ए पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश, या तो सभी समान है, इस पर भी प्लस क्यू, प्लस क्यू, क्योंकि प्रश्न बहुत से बनेंगे ऋणात्मक धनात्मक लेकर के, इसी आकृति में तमाम तरह के प्रश्न बनेंगे, अगर उसमें ऋणात्मक धनात्मक करने लगेंगे तो हो सकता है आप कन्फ्यूज हो। एक तरह का प्रश्न यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, ये चारों कोणों पर समान परिमाण के आवेश। प्रश्न में कहा जाए इसका कोई मान भी दिया हो सकता है, मान दिया होगा तो उस मान को प्रयोग करें। इस प्लस क्यू आवेश अगर ये पूछा जाए कि बिंदु ए पर रखे प्लस क्यू आवेश पर, अच्छा इसमें बल का भी हो सकता है, हम आपको वैद्युत क्षेत्र समझा रहे हैं, इसलिए यहाँ हम कहेंगे बिंदु ए पर रखे प्लस क्यू आवेश और इन सभी के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो। अब उस बिंदु को कहीं विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रश्न में यदि पूछ दिया जाए इन सभी आवेशों द्वारा, पीछे देखिए इसको हम बल लेकर के कर रहे थे, इसको आप वैद्युत क्षेत्र समझें, इन चारों ही आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान, इस प्लस क्यू आवेश द्वारा यहाँ पर और सभी आवेश द्वारा यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान लेंगे और दिशात्मक रूप से जोड़ेंगे सदिश योग। बल के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OA, OB, OC, OB सभी दूरियां बराबर। A पर रखे आवेश द्वारा यहां पर लगने वाला बल इस दिशा में प्रतिकर्षण हो, बार बार बल की ही बात हो जा रही है जबकि वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल। A द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जिसे बी पर जो आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र E2, सी पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा E3 और डी पर आवेश के कारण E4। देखिए इस प्रश्न का उत्तर बिना गणना किए हम ज्ञात करेंगे और आप समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र 1/4πε0Q/R, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और इसकी ओ से दूरी OA, तो 1/4πε0Q/ इस दूरी का है। बी पर प्लस और सी पर प्लस क्यू आवेश है, यह E3 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, यह आवेश और यह दूरी उतनी ही है जितना यह दूरी और यह आवेश।
तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों ही आवेश बिंदुओं पर समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्यू और आर दोनों के लिए समान और इनकी दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए हम कहेंगे E1 और E3 परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। अब बी और डी के लिए देखें, बी और डी पर भी आवेश समान है और ओ दोनों की दूरियां भी समान है, तो ये दोनों आवेश इस बिंदु पर जो क्रमशः E2 और E4 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए यह दोनों भी एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। हल करने के लिए यदि आपको कहा जाए OA = OB = OC = OD, E1 का मान 1/4 pi epsilon 0, Q/OA², E2 का मान 1/4 pi epsilon 0, Q/E2 इस दिशा में दूरी होगी आपकी OB² इसी तरह से इनके लिए OC² और OD² नीचे होगा। तो जब OA, OB, OC, OD सभी बराबर हैं तो ये सभी परिमाण में बराबर हैं और इस वैद्युत क्षेत्रों के लिए दो युग्म एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, इसलिए निरस्त करेंगे और यह दोनों युग्म एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तो इस प्रकार बिंदुओं पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तार्किक रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने से आपको गणना नहीं करनी पड़ेगी। संभाव्य त्रिभुज के कोणों पर अगर रखे हुए हैं आवेश तो उनके द्वारा वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसको ज्ञात करना। A, B, C, B और C पर इन दो कोणों पर दो वैद्युत आवेश हम रखें और इस बिंदु पर तीसरे शीर्ष के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, संभाव्य त्रिभुज की भुजा दी होगी प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, यह आवेश इस बिंदु पर इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे E1 से नोट करते हैं और इस आवेश द्वारा E2 उत्पन्न होगा और इन E1 और E2 का परिणामी ही इस बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र का मान। अब देखिए सभी भुजाएं A ली गई है, वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से किसी आवेश द्वारा उससे कोई दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से E1 = 1/4 pi epsilon 0 Q/A और E2 का मान भी 1/4 pi epsilon 0 Q/A² आवेश और दूरी दोनों के लिए समान। यहाँ एक चीज हम बताना चाहते हैं, E1 और E2 सदिश राशियाँ हैं जबकि बल भी सदिश राशि होती है। यदि परिमाण में बराबर दो बल या दो सदिश कार्यरत हैं तो उनका परिणामी क्या होगा। लेकिन ये दोनों परिमाण में बराबर है, E1 और E2, इनके बीच का कोण थीटा है, तो E1 और E2 का परिणामी E = 2। अच्छा E1 और E2 बराबर हैं तो इनको हम
ईवन या इक्वल किसी एक ही संकेत से लिख सकते हैं, जैसे ये सपोज करें ई और ई है। किसी बिंदु पर दो समान परिमाण के वैद्युत क्षेत्र हैं जिन्हें सदिश राशि समझकर कर रहे हैं, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा? 2 × कोई एक सदिश राशि और cos थीटा बाई। ध्यान रखिएगा, और इन दोनों का परिणामी इनके बीच के कोण के समद्विभाजक दिशा में। ऐसे आप बल के लिए समझ सकते हैं, अगर समान परिमाण के दो बल यफ और यफ हैं तो इनके बीच कोण थीटा है, तो परिणामी बल होगा। टू यफ कॉस थीटा बाई। अब यहाँ ईवन और ईटू दोनों बराबर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यदि नहीं करते हैं तो आपको पर्याप्त कार्य करना पड़ेगा। यह कोण 60 डिग्री का, यह कोण भी 60 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट है। अब यहाँ पर दो सदिश परिमाण में बराबर लगे हुए हैं, इनका परिणामी इसी सूत्र से, बल के लिए भी इसी तरह प्रयोग करेंगे, सभी सदिश राशियों के। अब यहाँ ईवन इक्वल टू ईटू बराबर ई डैश मान, यहाँ ब्रैकेट में मान। अब ईवन और ईटू का परिणाम, जिसे ई से नोट कर रहे हैं, ईवन और ईटू कितने हैं? प्रत्येक ई डैश के बराबर, यानी यही जो आपको सूत्र बताया, 2E' कास, ये एंगल 60 है, तो कास थीटा बाई 2 होता है, कास 60 बाई 2 × ई डैश का मान ईवन और ईटू के समतुल्य, और प्रत्येक है 9 × 10⁻⁹ क्यू बाई, और ठीक इतना ही यह भी होगा, 1/4 πε₀ का मान लिख लें, 9 × 10⁹ cos 60/2 मीन्स 2 × 9 का मल्टीप्लीकेशन 18 × 10⁹ cos 30 मीन्स √3/2 से डिवाइड करें, 9√3 × 10⁹ न्यूटन बाई। अब चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई किस दिशा में होगा? हमने आपको क्या बताया कि दोनों ही सदिश राशियां जो हैं उनके बीच के कोण की समद्विभाजक दिशा में। यदि ई ईवन से थीटा कोण बनाता है तो थीटा इज इक्वल टू 60/2, केवल आपको याद रहना चाहिए 30 डिग्री। आप क्या कह सकते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ईवन से 30 अंश के कोण पर होगा, और बीच का कोण 60 अंश है, तो ईटू से भी 30 अंश के ही कोण पर होगा। यह सूत्र जो हमने आपको बताया, यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, पुनः एक बार बता दें, दो बलों यफ और यफ
यदि एक दूसरे से थीटा कोण पर होगी। यहाँ बल से केवल ये मतलब है सदिश राशि, तो इनका परिणामी यदि एफ डैश हो तो वह 2f cos θ / 2 के समतुल्य है, और परिणामी सदिश उन दोनों में से किसी एक से समान कोण बनाएगी, क्योंकि उसकी दिशा उनके बीच के कोण की समद्विभाजक रेखा के सिरे में रहेगी। अब आपको वैद्युत क्षेत्र से संबंधित दो आंकिक प्रश्न बताए गए। आंकिक प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, और आंकिक प्रश्न जिसको नहीं आते उसका भौतिक विज्ञान शून्य है, केवल डिफिनीशन और आर्टिकल का डिराइवेशन समझ करके आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते। आंकिक प्रश्न हल करना होगा। हम आपको कुछ और प्रश्न बताएंगे, लेकिन उतने प्रश्नों को सीमित समय में नहीं बताया जा सकता जितना की आवश्यकता है। इस तो सलाह है कि विद्यार्थी स्वयं प्रयास करें कि आंकिक प्रश्न कैसे हल हों।